भाई साहब, आज लाभा ने लॉन्च कर दिया है प्रो वॉच ZN। स्मार्ट वॉच बहुत ही सस्ते में एमोलेड डिस्प्ले के साथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लेकर आता है, विथ ब्लूटूथ कॉलिंग 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स के साथ भी आता है। सब कुछ बताऊंगा भाई स्मार्ट वॉच के बारे में, तो सबसे पहले इस स्पेशल बॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो यह है बॉक्स भाई, यहाँ पास स्पेशल बॉक्स मुझे मिला है और यहाँ पर गोरिल्ला भाई साहब है, आप देख सकते हो मेरी तरफ और आपके तरफ भी देख रहा है, और यहाँ पर है टच है प्रो। तो इस स्पेशल बॉक्स को फटक से ओपन कर लेते हैं। तो स्पेशल बॉक्स स्पेशल तरीके से ओपन होता है, तो यहाँ पर आप देख लो भाई, यहाँ जलता हुआ लाइट जो है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप इस स्मार्ट वॉच को ऑर्डर करोगे आपको ऐसा ही कुछ बॉक्स मिलने वाला है, तो ऐसा ही कुछ आपको छोटा सा बॉक्स मिलेगा। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इस बॉक्स को खोल के देख लेते। ऐसे भी इस छोटी बॉक्स का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा रखा है, और यहाँ पर प्रो वॉच बाय लाभा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, और यहाँ पर पीछे कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन है। चलिए इस छोटी बॉक्स को फटक से ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करोगे पहला मिल जाएगा स्मार्ट वॉच, इसको साइड में रख देते हैं। इनबॉक्स मैग्नेटिक केबल है स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए। बॉक्स के अंदर एक पतला सा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ फनी फनी स्टिकर है जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और एक यूजर मैनुअल कार्ड है। ये है स्मार्ट वॉच का फर्स्ट लुक। चलिए इसको फटक से बूट कर लेते हैं प्रो वॉच बाय लाभा। स्मार्ट वॉच का जो फर्स्ट लुक है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है भाई, ब्लैक कलर में आता है, और मेरे पास सिलिकॉन स्ट्रैप है। ये वॉच चेन स्ट्रैप में भी आता है, अगर आपको पसंद है आप जरूर उसको खरीद सकते हो। मेरे पास जो सिलिकॉन स्ट्रैप है इसका क्वालिटी जबरदस्त है भाई, रफ यूज में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अच्छी बात तो इसका जो फ्रेम है वो मेटल का बना हुआ है, और इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। इवन इसमें IP68 का रेटिंग है। ये जो स्मार्ट वॉच है वाटर प्रूफ है, इसको पहन के आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो। ये जो वॉच है राउंड शेप में आता है, और इसका डिस्प्ले का जो साइज रखा है 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और इसका रेजोल्यूशन जो है 466x466। इस वॉच में 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, और तो 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस है। इसको पहन के आप आराम से आउटडोर में यूज कर सकते हो। इवन इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर्स भी मिल जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं इस वॉच को कैसे फोन के साथ कनेक्ट करना होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है। स्मार्ट वॉच को फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए प्ले स्टोर से आपको प्रो स्पोर्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आपके स्मार्ट वॉच के डब्बे में एक QR कोड मिलता है, तो इसको आप स्कैन करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए एप्स में क्या क्या फीचर्स मिलता है वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर में स्मार्ट वॉच का नेम दिख जाएगा, तो यहाँ पर प्रो वॉच ZN है। इसको अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप अनपेयर भी कर सकते हो सिंगल क्लिक में। इस एप्स में ऑल एक्सरसाइज का रिकॉर्ड्स दिखाई देगा, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते 150 से भी ज्यादा वॉच फेजेस मिल जाता है। यहाँ पर व्यू ऑल में क्लिक करके आप कोई भी वॉच फेजेस को सेट कर सकते हो आपकी स्मार्ट वॉच में। अगर आप कोई भी गोल सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर एप्स में आप गोल को सेट कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन मिलता है, तो इसके जरिए आप स्मार्ट वॉच को थोड़ा बहुत सेटिंग्स में चेंज भी कर सकते हो। एप्स में ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिलता है, लेकिन स्मार्ट वॉच में ढेर सारी फीचर्स मिल जाता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस वॉच में दो बटन्स हैं, तो ऊपर के इस बटन से आप पावर को ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, और इसको स्क्रॉल करके दोस्तों आप वॉच फेजेस को ऐसे चेंज भी कर सकते हो। ऊपर से अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, तो यहाँ से आप टैप करके ऐसे ब्राइटनेस को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। यहाँ पर रेस्ट टू एक का शॉर्टकट बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड से स्वाइप करने के बाद यहाँ पर मेनू बार आ जाता है, तो यहाँ पर मेनू बार में ढेर सारी ऑप्शन मिल जाता है। तो पहला जो है एक्टिविटी डाटा, आप एक्टिविटी डाटा चेक कर सकते हो। यहाँ पर वर्कआउट मिल जाता है, 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। मुझे लगता है आप जो भी स्पोर्ट्स करते हो उसका मोड स्मार्ट वॉच में मिल जाएगा। यहाँ पर आप वर्कआउट रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पर हार्ट रेट जो मॉनिटर है ना वो पोपर में काम करता है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्मार्ट वॉच है वो अभी मेरे हाथ में नहीं है। हार्ट रेट मॉनिटर को टैप करता हूँ तो यहाँ पर वार्निंग आ जाएगा, इसको आपको पहनना होगा, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो पोपर में यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। उसी के साथ अब ब्लड ऑक्सीजन को यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेडिकेटेड स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और स्मार्ट वॉच के जरिए आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पर डायल पैड भी मिल जाता है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग के जरिए यहाँ से आप डायल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करता है।
यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट को सेव करके रख सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स मैंने कॉल किया था आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करता है। और इसका स्पीकर और जो माइक का क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, माइक जो है नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसलिंग कर लेता है। यहाँ पर स्टॉप वॉच, टाइमर, ये सब कुछ आपको फीचर्स यहाँ पर मिल जाएगा, आप एक एक करके चेक कर लेना। यहाँ पर डेडिकेटेड वेदर का फीचर्स भी मिल जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन भी है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का मैसेज चेक कर सकते हो। फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन भी मिलता है। इस स्मार्ट वॉच में भाई 4 गेम्स मिल जाता है जो आपको बोर फील नहीं होने देगा। मुझे ये जो रेसिंग गेम है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है भाई खेलने में, मैं बहुत बार इसको खेल चुका हूँ। और यहाँ पर पर्सनल गेम वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद वॉच फेजेस को यहाँ से चेंज कर सकते हो, मेनू का जो स्टाइल है आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह, स्क्रीन ऑन टाइम और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो मिलता है ना उसका स्टाइल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और इसको अगर आप चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइमर को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। नीचे से स्वाइप करने के बाद आप यहाँ पर मैसेजेस चेक कर सकते हो, और राइट साइड से स्वाइप करने के बाद यहाँ पर एक्टिविटी डाटा दिखाई देगा। यहाँ से आप बीपीएम को भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर सारे अब मूड मिल जाता है। इस वॉच में जो नीचे का जो बटन है ना, ये डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मूड के लिए, इसको प्रेस करने के बाद स्पोर्ट्स मूड आ जाता है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो स्पोर्ट्स मूड को। मुझे लगता है कि वॉच में जो जो फीचर्स होना चाहिए सब कुछ डाल दिया है लावा वालों ने इस वॉच में। देखो भाई, कोई भी वॉच हो उसका बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हर दिन आपको चार्ज में देना होगा। दोस्तों इस वॉच में है 350 mAh की बैटरी, एक घंटे में ये जो वॉच है फुल चार्ज हो जाता है। अगर आप इस वॉच को नॉर्मल यूज करोगे तो आपको 7 से 8 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करते हो तो 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इवन इसको अगर आप स्टैंड बाय टाइम में यूज करते हो तो 15 से 20 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। मुझे लगता है बैटरी बैकअप लेकर एक यूजर से कोई भी शिकायत नहीं आने वाला है इस वॉच से। चलिए अब फाइनल कंक्लूशन की बात करते हैं, इस प्रो वॉच ZN को खरीदना चाहिए कि नहीं। इस वॉच को आप Amazon से और लावा की ऑफिशियल स्टोर से आप खरीद सकते हो 2599 रुपीस में। और मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से ये वॉच बहुत ही अच्छा सा फीचर्स लेकर आता है, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी, 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड, 150 से भी ज्यादा वॉच फेजेस और अच्छा बैटरी बैकअप। इस प्राइस में ऑलराउंडर स्मार्ट वॉच है ये प्रो वॉच ZN। मुझे लगता है इस वॉच को आपको जरूर खरीदना चाहिए। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। अगर आप इस वॉच को खरीदना चाहते हो तो 26 अप्रैल से इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा Amazon में और लावा की वेबसाइट में ऑफिशियल स्टोर में जाकर आप इसको जरूर खरीद सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।